हाय गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैं और चावल बुकने के लिए मेरा चौथा चौथा हम लोग का चौथा चौथा बच्चा लोग जो बस्ती का जो चाइना बंदरी में जो भी रहता है बोधर एरिया में रहता है। ये देखिए हमारा अरुणाचल में ऐसे होता है या रोड नहीं होने का कारण से, नेटवर्क नहीं होने का कारण से ये बच्चे लोग चावल बुकने जा रहा है अपना खाने के लिए, अपना पेट के लिए और खाके पढ़ने के लिए। देखिए बहुत तकलीफ है और नदी का उस पार जाके ये चावल बुके और पहुँचाते हैं अपना स्कूल तक। ये देखिए कितना दुख तकलीफ का बात है। आदमी लोग ऐसे है, तुम लोग का बस्ती में काना चावल नहीं है बुकने जा रहा है। तुम लोग का गवर्नमेंट रोड नहीं बना दिया, लाइट नहीं है तुम लोग का बस्ती में, पानी नहीं है। दूध क्यों बोलता है, पानी तो आ गया ना, रोड नहीं है, लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, इसलिए हम लोग का खाने पीने सामान को हम लोग पैदल से भुगना पड़ता है ना। बच्चा बच्चा लोग को भुगने देते हैं ना, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करो ना रास्ता दो बोल के। तुम लोग ब्रिज जा सकेगा क्या? धीरे धीरे जाओ रे, नहीं जा सकने से रुको, हम लोग खींच के ले गए। रुको रुको, धीरे धीरे बुके ले जाएगा। आराम से जाओ रे, धीरे धीरे मारते देखिए। धीरे धीरे जाओ, चाइना अरुणाचल सामने फिरने वाला आदमी। आराम से, हाँ उधर इधर मत देखो, धीरे धीरे ब्रिज में आसान से पकड़ के जाओ। धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे। धीरे धीरे जाओ रे, धीरे धीरे। मत हिला, मत हिला, मत खिलो, क्यों हिलाता है? जाओ धीरे धीरे जाओ, मत हिला दो। हिला हिला के जा रहा है, ये लो डर ही नहीं। मेरा सीनियर स्टूडेंट और मामू का पानी है, बदले में चावल बिकने जा रहा है, बिकने वाला नहीं था कुछ। पानी बहुत बड़ा है, वो पानी बहुत हैवी है। ये प्लोबो नदी है, वो प्रो नदी, रास्ता उधर अच्छी का आधा आधा पंच के रखा है। बहुत कठिन पूरा बस्ती आदमी लोग पूरा